नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मिर्जापुर जनपद के विकासखंड राज्यकर के खुटवा गांव में प्रधान पद के लिए खुटवा गांव के प्राथमिक विद्यालय पर वोटिंग के लिए 3 बूथ बनाया गया, जिसमें कुल 2,726 वोटर हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही खुटवा गांव के प्रधान शिवधारी मौर्य की मौत हो जाने के कारण यहाँ के प्रधान पद खाली पड़ा था। इसी को लेकर शासन द्वारा उपचुनाव कराया गया। प्रधान पद के उपचुनाव के मैदान में एक तो मृतक प्रधान की पत्नी मीरा देवी और दूसरे प्रत्याशी इश्तियाक हैं। चुनाव के मैदान में वोटर भी सुबह से काफ़ी उत्साह के साथ विकास के नाम पर वोटिंग के लिए, वोटरों ने बताया कि हम लोग विकास के नाम पर वोटिंग के लिए आए हैं। गांव का जो अच्छा विकास करेगा, हम लोग उसी के आधार पर आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। बात सुरक्षा की जाए तो वोटिंग शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। चुनाव प्रभारी तहसीलदार सदर ओम प्रकाश पांडे, सदर SDM गौरव श्रीवास्तव, चुनार SDM सत्य प्रकाश सिंह, अरोरा थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह, इमलिया चट्टी चौकी प्रभारी विमलेश कुमार सिंह, अदलाहत थाना क्षेत्र के SI विनोद यादव, सिपाही मनीष कुमार सिंह के अलावा क्षेत्रीय लेखपाल के साथ भारी संख्या में फोर्स तैनात रही मौके पर। क्या है जी? मेरा नाम तबस्सुम है और ग्राम खुटहा से है। खुटहा से हैं जी। आपके गांव में किस किस चीज पे चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, क्या क्या विकास चाहते हैं अपने गांव का? जी हम अपने गांव का यही विकास चाहते हैं कि रोड अच्छा बन जाए जी, बिजली की समस्या दूर हो जाए जी। और बाकी सबसे बड़ा मेरा मुद्दा ये है कि जो हमारे ग्राम सभा खुटहा का पंचायत भवन है जी, वो 12 महीना पानी में डूबा रहता है। अच्छा अच्छा। और हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम जो भी प्रधान यहाँ हो, जिसको हम लोग चुने हैं जी, वो अपने कार्यकाल में के दौरान आए। और सबसे बड़ा जो वो मुद्दा है, वहाँ पानी जो भरा रहता है पंचायत भवन पर, कम से कम उस पानी के वहाँ रुके ना, उसकी समस्या का समाधान हो जाए। अच्छा। क्योंकि जब भी हम उधर जाते हैं देखते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है कि हमारे मोदी जी जो है कि प्रधानमंत्री जी चला रहे अभियान चला रहे, स्वच्छता का अभियान चला रहे, और यहाँ पर हमारे ग्राम सभा में जो है खुटहा गांव में पंचायत भवन ही डूबा रहता है। अब तो मान लीजिए बरसात का दिन आ गया है, 2-4 दिन पहले से बारिश हो रही है। अच्छा, अच्छा। लेकिन इसके पहले से भी पूरा मई जून अप्रैल सब कुछ बीत गया, लेकिन हम लोग का जो है वो पंचायत भवन जो है पूरा डूबा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं जिस प्रधान को हम लोग चुन रहे हैं, वो अपने कार्यकाल के दौरान सबसे पहले वहाँ पंचायत भवन के पास जो पानी जमा होता है, इकट्ठा होता है, उसका निकास बनवाए। गाँव में आपके प्रधानमंत्री आवास की सुविधाएं क्या लाभार्थियों को सही दशा में मिली है? जी 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 हाँ, मिली है सबको। शौचालय की सुविधा, शौचालय की भी सुविधा, पूर्व प्रधान जो मृत्यु हो गई जिनकी जी, उनके द्वारा गांव में लाभार्थियों को सही रूप से दिया गया है जी। हमारे गांव में जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत लोगों का मकान बना है इस बार जी, और क्या कहते हैं शौचालय भी मिला है, काफी लोगों को मिला है। लेकिन हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमारा पंचायत भवन जो है साफ सुथरा हो जाए, वहाँ पानी इकट्ठा जो है, मुख्य रूप से हम उसी पर फोकस डालना चाहेंगे कि वहाँ के पानी का निकास बनवा दिया जाए।